स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर जिले के भालकी तालुका में प्राथमिक शाला शिक्षण संघ की ओर से कोरोना में मृतक शिक्षकों को दी गई श्रद्धांजलि। इस अवसर पर क्षेत्र शिक्षण अधिकारी और तालुका सरकारी नौकरी संघ के अधिकारी उपस्थित थे। बीदर जिले के चार गेट है जो कमानों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आलम यह है कि इन कमानों में झाड़ियां और पेड़ उग गए हैं जो थोड़े बड़े होने पर इन कमानों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए केपी न्यूज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इन कमानों पर भी ध्यान देने की अपील करती है। भैंस से महिला बीदर जिले से बचाई। कर्नाटक के हावेरी जिले की स्वानपुर तहसील के हिरे मरहली में एक अनोखी घटना सामने आई है जब एक भैंस ने महिला चरवाहे की उस वक्त मदद की जब दो बदमाशों ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। महिला की शोर सुनते ही भैंस ने बदमाशों पर हमला कर दिया। यह देखकर दोनों आरोपी 34 वर्षीय बसवराज और 32 वर्षीय परशुराम भाग खड़े हुए। कर्नाटक धारवाड़। चिकित्सकों के प्रति होना चाहिए आदर भाव। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में KBJ बैंक के अध्यक्ष गोपी कृष्णा ने कहा। बेंगलुरु मारवाड़ी युवा मंच बेंगलुरु ने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न प्रतिष्ठित डॉक्टरों का किया सम्मान। देश में कोरोना के 24 घंटे में आए 4,41,011 नए केस। 738 लोगों ने तोड़ा दम। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया को चुभी CDS बिपिन रावत की बात। बोले वायुसेना का है अहम रोल। मामले ने उस समय खुद पकड़ लिया जब CDS बिपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को थल सेना की सहायक इकाई बताई। हिमाचल प्रदेश में आधी रात शराब पीकर मंडी शहर में 14 खरा खरा पर झूमे। अब पुलिस कर रही तलाश। हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश। बहाल करे शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा। हिमाचल में कोरोना। आज शादी समारोह में 250 लोगों को शामिल होने की इजाजत। CDS बिपिन रावत ने किया आगाह। दुस्साहस का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहे सेना। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश जारी है। इसके बावजूद भारत को LAC की स्थिति को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। सीरत के इस्तीफे पर कांग्रेस ने हमला बोला। BJP की CM अदला बदली योजना। 3 साल तक बीकानेर जेल प्रशासन को पता नहीं चला कि पैरोल पर गया कैदी लौटा नहीं। 2018 में पैरोल पर गया श्री गंगानगर का शिवलाल, लेकिन आज तक नहीं लौटा। पुलिस पैरोल से आगे शिवलाल की तलाश में जुटी है। जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा रहा है। साथ ही 100 करोड़ रुपए BCCI देगा। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपियों को कोविड जांच के बाद कोर्ट लेकर पहुंची NIA। साथ में है ATF। सरोज खान की पहली बरसी पर भूषण कुमार का बड़ा फैसला। बनाएंगे वायु। पाकिस्तान पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती। बेशक चीन का सच आया सामने। कोरोना फैलाकर अब कर रहा न्यूक्लियर हमले की तैयारी। फोटोज में चीन के यूमेन के नजदीक खाली रेगिस्तान में 100 से ज्यादा मिसाइल के बैरक बने नजर आ रहे हैं। इन फोटो से ये शंका जाहिर की जा रही है कि चीन न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में इतिहास रचेगी भारत की बेटी शिरीषा। 11 जुलाई को शुरू होगा मिशन। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।